सो दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैं आया हूँ विकास भैया के यहाँ। ये ऑफिशियली पहला व्लॉग है गणपति सीरीज़ का, और ये मैं आपको बता दूँ, इस साल जबलपुर में इससे बड़ा पंडाल आप कहीं पे भी नहीं देखोगे। ये सबसे बड़ा पंडाल है, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ बन रही हैं। अंदर में माहौल देख चुका हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब्स हैं। लेकिन अभी तैयारी बस चली रही है, अभी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि भाई इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिनको जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी और बढ़ सके। और वो बहुत कंटिन्यूस कॉमेंट्स और मैसेजेस मुझे कर रहे थे कि गणपति सीरीज़ कब आएगी, तो ये मैं आपके लिए स्पेशली आया हूँ। आप लगा लीजिए ईयरफोन्स, क्योंकि आपको पता है भैया वीडियोज़ नहीं, वाइब्स बनाते हैं। दोस्तों, ये है पंडाल इस साल विकास भैया का। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये एक एंट्रेंस है, देन यहाँ से लेके वो जो लाइट दिख रही है आपको, वो दूसरा, मतलब वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो या वहाँ से भी एंटर कर सकते हो। दो हैं, देख रहे हो कितना लंबा है। लालबाग के राजा पैटर्न जो बनता है वो वहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल दूर दिख रहा हो आपको। ये इतना बड़ा पंडाल है ना, ये शहर में इससे बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी जगह और कहीं पे भी मैंने अभी तक नहीं देखी है। दूसरी बात, यहाँ पे क्रिकेट खेल लो, यहाँ फुटबॉल खेल लो, यहाँ गाड़ी चलाना सीख लो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, इतना स्पेस है भाई। तो यहाँ पे हाइट जो है मूर्ति की वो देख सकते हो आप, ये सब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई लाइन से। इस वाली लाइन पर भी अभी काम शुरू होने वाला है, ये पटे वगैरह ठुक रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा था यार अभी, क्योंकि ना ज़्यादा तैयारी हुई नहीं, आप देख सकते हो अभी भी बनना चालू ही है। थोड़ा सा एक फिनिशिंग आ जाए तो फिर देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो मूर्तियाँ तैयार हो गई हैं थोड़ी थोड़ी वो बताता हूँ, कौन सी कहाँ की जा रही हैं, कितने फुट की हैं, तो वो आपको जानने में बड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, बड़े से क्यूरियस रहते हो, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपने शॉर्ट्स तो इन्जॉय किए ही हैं, आपको मज़ा तो डेफिनेटली आया होगा। सबसे पहले ये वाले गणेश जी आप देखो, ये वैसे अभी तैयार नहीं हुए तो इनका जो शेप है वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा तैयार हो चुका है। सो ये वाले जा रहे हैं मझौली, हमारे जबलपुर शहर के पास एक मझौली करके एरिया पड़ता है, सो ये वहाँ के हैं। ये सागर की मूर्ति है, सागर हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर दूर। ये पिछले साल भी बने थे, पिछले साल 6 हाथ वाले थे, साल 4 हाथ वाले, और बड़े ही सही लगते हैं। ये महाराष्ट्र पैटर्न में बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र साइड में जो बैठते हैं ना, उस टाइप के पैटर्न में पिछले साल भी बने थे, इस साल भी बन रहे हैं। एंड इनमें अभी मिट्टी से पूरा जो एक स्ट्रक्चर दिया जाता है वो वाला काम चल रहा है, हाथ वगैरह अभी किसी के भी नहीं बने हैं। इनिशियल जो तैयारी रहती है वही बन रही है। ये जो आवाज़ आपको आ रही होगी, ये एक और गणेश जी का पटा ठोकना स्टार्ट हो गया है। ये फाउंडेशन होती है हर प्रतिमा की, सो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, एंड देन फिर उसके बाद ऐसा सब, इसको प्यारा बोलते हैं जो रखा हुआ है, इसको प्यारा बोलते हैं, ये जिसमें स्ट्रक्चर लगता है पूरा प्रॉपर। ये वाला पैटर्न देखो, ये इंस्टाग्राम का मोस्ट वायरल कंटेंट है इस साल का, यानी मोस्ट वायरल गणपति। ये महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं, जबलपुर शहर में भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाले और एक हनुमान जी वाले पैटर्न जो है। ये वाला तकरीबन इनकी हाइट होगी 10-12 फिट होके होंगे ये आराम से, हाँ 12 फिट तक तो इनकी हाइट होगी। क्या सही लग रहे हैं देखने में, ये भी तैयार हो ही रहे हैं। हाथ वगैरह भी इनके नहीं बने हैं, पर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखो मज़ेदार लग रहा है, मतलब बढ़िया। और ये वाले जा रहे हैं सिंगरौली, ये वाले भी सिंगरौली जा रहे हैं, ये वाले भी सिंगरौली जा रहे हैं। यहाँ लाइन से गणेश जी रखे हुए हैं, एंड सब में थोड़ा थोड़ा काम हो ही रहा है। और आपको आवाज़ आ रही होगी शायद गानों की बैकग्राउंड की, तो वो भाई यामाहा के स्पीकर जो बिट्टू भी हैं यहाँ पे, उनका शौक रहता है, तो आगे उस तरफ वही गाने बज रहे हैं, वो आपको सुनाई दे रहे होंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये दोनों बप्पा जो हैं, ये लालबाग पैटर्न में बनते हैं, एंड ये दोनों जा रहे हैं, एक रीवा जा रहे हैं, एक सीधी जा रहे हैं, ठीक है, रीवा के आगे सीधी पड़ता है। और ये दोनों की हाइट जो है इस साल होने वाली है ये 18 फीट की कंप्लीट होने के बाद, अभी ये 15.5 फीट हो गए, इसके बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएंगे तो ये 18 फीट की हाइट चली आएगी, मतलब आप सोच सकते हो कि और हाइट बढ़ने वाली है। एंड ये जो पैटर्न आप देख रहे हो लालबाग पैटर्न है, विकास भैया पूरी कोशिश करते हैं कि वो लालबाग के पैटर्न में बना सके, एंड काफ़ी हद तक वो बना भी लेते हैं। और यहाँ पे इन समिति में ऐसा होता है कि जो पिछले साल मुंबई में रखे जाते हैं ना, उसका पैटर्न इस साल बनता है, मतलब ये पिछले साल वाला पैटर्न है जो मुंबई में रखा गया था और वो इस साल हमारे यहाँ बन रहा है। इनके पैर दिखाता हूँ मैं आपको,
इनमें भी अभी तैयारी चली रही है, फेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है मिट्टी वगैरह लग के, हाथ बाकी हैं, पैर बाकी हैं, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं लेकिन काफ़ी हद तक काम हो चुका है। ये यहाँ पे बप्पा की सारी उंगलियाँ बन रही हैं, ये देखो कितनी मोटी मोटी बन रही हैं, हाइट के हिसाब से सारी पहले ही उंगलियाँ बन के रख जाती हैं, फिर एक एक करके जल्दी से आराम से लग जाती हैं। सो एक भैया यहाँ पे ये सारे गणेश जी की उंगलियाँ बना रहे हैं, फिर वहाँ पे दुर्गा जी का जो मैंने आपको बताया जो बुंदेलखंडी पैटर्न होता है उनका बन रहा है, और बाकी तैयारी तो चल रही है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सो दोस्तों ये एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, आप लोग बिल्कुल नहीं रुक रहे थे भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो यही तैयारियाँ हो रही हैं अभी पंडाल में, इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। आगे जब कलरिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर एक व्लॉग लेके आऊँगा मैं आपके सामने, तब आपको और अच्छा लगेगा देखने में, तब आपको प्रॉपर तरीके समझ में आएगा कि कौन सी मूर्ति किस हिसाब से बनी है, कितनी सुंदर बनी है। ऑब्वियसली सारी प्रतिमाएं जो होती हैं वो सुंदर ही होती हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होती, वो सभी बहुत सुंदर होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब्स, जीते रहिए, बाय बाय। और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।